हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने आसपास का माहौल भी स्वस्थ रख रहे होंगे बिना किसी प्रदूषण को फैलाए। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 3 के बारे में, जो कि जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है जो कि यूज़ किए जाएंगे बाय द अथॉरिटीज़ वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। वो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं? देखिए, जो अथॉरिटीज़, सबसे पहले अथॉरिटी जो आती है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, फिर बाद में जो बोर्ड्स आ जाते हैं, कोई अदर एजेंसी आ जाती है जो कि इन इस एक्ट के अंडर जो भी प्रोविजंस हैं जब उसको इम्प्लीमेंट करेगी, जब अथॉरिटीज़ जब इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करेगी, तब इस केस के अंदर जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये लगाए जाएंगे बाय द अथॉरिटीज़। अब देखिए, कुछ 16 प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो अप किए जाएंगे बाय द अथॉरिटीज़, और सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। देखिए, अगर कोई भी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, अगर कोई भी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है और उसे बिफोर द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्रेजेंट किया गया है या फिर उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो देखिए उसे टिल द टाइम जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक उसे इनोसेंट माना जाएगा। वो चाहे चाइल्ड हो, वो चाहे, देखिए इस एक्ट के अंदर तो बात करें तो देखिए प्रिजम्पशन जो ऑफ इनोसेंस जो है वो सिर्फ चाइल्ड के लिए है, पर अगर हम बात करते हैं कि भी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस तब तक कब तक मानी जाती है फॉर अदर पीपल ऑल्सो जो उनसे ऑफेंस को कमिट कर देते हैं, तब तक उनको इनोसेंट माना जाता है जब तक उनको बाय द कोर्ट गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता, बाय द प्रोसिक्यूशन जब तक गिल्टी प्रूव नहीं किया कर दिया जाता। देखिए, जो ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो प्रिज्यूम तब तक की जाएगी कि भी वो बच्चा इनोसेंट है या फिर कोई भी क्रिमिनल इंटेंट जो उसने कमिट किया है वो जब तक 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे इनोसेंट माना जाएगा। अगर उसके बाद वो कमिट करता है तो उसके ऊपर कोई इनोसेंस नहीं है, तब कोर्ट, अगर प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूव करेगी एंड उसको पनिशमेंट दिलवाने की कोशिश करेगी। ऐसे ही सेकेंड प्रिंसिपल आ जाता है जो कि बात करता है डिग्निटी एंड वर्थ के बारे में। देखिए, समाज में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे मैं हूँ, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, कोई भी है, उनको विद डिग्निटी, विद इक्वल राइट्स ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जानी चाहिए। वो चाहे कोई सी भी स्टेज ऑफ लाइफ हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का मामला हो हॉस्पिटल के अंदर, वो चाहे उसकी नीड्स, एसेंशियल नीड्स का मामला हो, कोई भी। ऐसे ही थर्ड प्रिंसिपल है, वो है पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। देखिए, जो भी चाइल्ड है उसके पास राइट है कि भी उसे सुना जाए, उसको पार्टिसिपेट करवाया जाए इन ऑल प्रोसेस एंड डिसीजंस। कोई भी ऐसा प्रोसेस, वो चाहे जुडिशियल प्रोसेस हो सकता है, वो चाहे उसकी एजुकेशन का मुद्दा हो सकता है, वो उसकी किसी भी चीज का, जो भी उसके राइट्स हैं उसका मुद्दा हो सकता है, ह्यूमन राइट्स का, जहां पर उसके जो डिसीजंस हैं, जब वो डिसीजन लेगा तो वो उसकी लाइफ को कहीं अच्छे में इफेक्ट कर सकता है और नहीं तो बुरे में। सो वो उसके इंटरेस्ट को सबसे पहले नजर रखा जाएगा, चाइल्ड के व्यूज को कंसिडरेशन में लिया जाएगा वाइल एट एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। चौथा प्रिंसिपल आ जाता है, वह है बेस्ट इंटरेस्ट। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे रिगार्ड टू द चाइल्ड, वो चाहे अडॉप्शन का डिसीजन हो, वो चाहे उसकी केयर एंड प्रोटेक्शन का डिसीजन हो, जब भी वो कन्फ्लिक्ट विद लॉ में आया, जब भी उसका कोई कन्फ्लिक्ट हुआ विद लॉ, तब तो उसका सबसे पहले बेस्ट इंटरेस्ट देखा जाएगा। सबसे पहले जो उसकी जो प्राइमरी कंसिडरेशन होगी उसके लिए वो बेस्ट इंटरेस्ट होगा, ताकि उस चाइल्ड को हेल्प की जा सके। देखिए, ऑफेंस तो किसी से भी कमिट हो जाता है, बच्चे अब क्या, एक बार क्या होता है कि ऐसी मूवीज देख लेते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर देते हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उसकी जो कमेटी है, वो यहाँ पर ऐसे बच्चों को, अगर कोई बच्चा अनाथ मिला है, कोई बच्चा सेक्सुअली अब्यूज हो रहा था, किसी को सेक्सुअली हरास किया जा रहा था, देन इन दैट केस जो बेस्ट इंटरेस्ट देखा जाएगा बाय द बोर्ड एंड बाय द कमेटी, तो वो हेल्प करेंगे बच्चे को
ताकि वो डेवलप हो सके पूरे पोटेंशियल तक, वो एक दोबारा से सोशली इंटीग्रेट हो सके लोगों के साथ। ऐसे ही फिफ्थ प्रिंसिपल है जो कि बात करता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कोई भी बायोलॉजिकल फैमिली है, वो चाहे अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं या फिर जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर केयर दें बच्चों को, मेंटली फिजिकली उनको देखा जाए, उनको पाला पोसा जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। कहाँ से प्रोटेक्ट किया जाए, कहीं उनको ये ना हो बच्चे ऐसे लावारिस छोड़ रखे हैं और कल को वो लापता हो गया, कोई उठा के ले गया, उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, पीट रहे हैं, अडॉप्ट कर लिया उसको, सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो उसके सामने लड़ रहे हैं बच्चे के सामने, उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि वो उनकी उसकी बच्चे की प्रॉपर केयर करे, उसको प्रॉपरली डेवलप करे सोसाइटी के अंदर, वो देखे कि भी बच्चा किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, ऐसी चीज़ें देखे, ताकि क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालती हैं बच्चों की लाइफ के अंदर। ऐसे ही सिक्स्थ प्रिंसिपल है जो कि बात करता है सेफ्टी की। देखिए प्रॉपर मेजर्स लिए जाएंगे पूरी की पूरी, मतलब कोशिश की जाएगी कि जो बच्चा है वो सेफ हो, वो उसको किसी तरह का हार्म ना हो, उसी उसको किसी चीज का ये ना हो, डर ना हो कि भाई मेरे को कोई दर्द पहुंचा सकता है किसी तरह का, मेरे को कोई अब्यूज कर सकता है। अब मान लीजिए बच्चा एक ऐसे माहौल में रह रहा है जहां पर गालियां गलौज हो रही हैं, अगर वो बच्चा अगर इन कॉन्टैक्ट है विद केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम के, जो केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम के जो कमेटीज बनाए गए हैं, जो बोर्ड बनाए गए हैं, वहीं पर ही बच्चे को अब्यूज़ किया जा रहा है, तो ये सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ेंगे। पॉजिटिव मेजर्स, सेवन्थ प्रिंसिपल जो है वो बात करता है पॉजिटिव मेजर्स की। देखिए बच्चे के अगर पेरेंट्स गरीब हैं मान लीजिए, या बच्चा गरीब है, मान लीजिए पेरेंट्स गरीब है, तो ऑब्वियसली बच्चे की जनरल नीड्स तो पूरी हो नहीं पाएंगी, जो एसेंशियल नीड्स हैं वो तो पूरी हो नहीं पाएंगी, तो जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली मोबिलाइज किया जाएगा फैमिलीज एंड कम्युनिटीज के अंदर, ताकि जो बच्चे हैं, जो वो चाहे गरीब पुअर फैमिलीज हैं या फिर वो रूरल जो विलेजेस से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो देखिए वहाँ पर जब तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचेंगी तब तक उन बच्चों का भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो क्या है कि भी इससे क्या है, जो चिल्ड्रन हैं उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं कमी आ रही है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी की वजह से लॉ को अपने हाथों में ले सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं विद लॉ, एंड फिर बाद में जो गवर्नमेंट है उसको डील करना पड़ेगा, जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके ऊपर लागू किया जाएगा जुवेनाइल बोर्ड के अंदर। तो देखिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट की जो मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे, उनकी गरीबी को हटा जाएगा। तो अगर गरीबी हटगी तो देखिए जो बच्चे हैं वो फ्यूचर होते हैं, वो फल फूल के आगे आएंगे, वो ये नहीं होगा कि भी ये सोचेंगे हाँ मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे तो ज़रूरी नहीं है कि भी मैं पढ़ लिख नहीं पाऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जहाँ पर बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, कुछ एनजीओज हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बट कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं बैगिंग पे लगा देते हैं अपने बच्चे को, वो चाहते ही नहीं है वह बच्चा पढ़े, उनकी ही सोच ऐसी कि भी बच्चा कुछ बन ही नहीं सकता, भीख मांगने से अच्छा दिन के 10-20 मतलब 100-150-300-400 दिन के जो भी है, कोई 10 दे जाता, कोई 5 दे जाता, आजकल 2-3 रुपए थोड़ी ना लेता कोई। तो बच्चे को अगर बैगिंग पे लगा रखा है तो उसको दोबारा से उसके लिए पॉजिटिव मेजर्स लिए जाएंगे, उसको सेफ्टी दी जाएगी, उसको एजुकेशन ट्रीटमेंट, उसको सोशली इंटीग्रेट करवाने के लिए लोगों के साथ। ऐसे ही नन स्टिग्माइजेशन होगा कि भी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा कि भी यहाँ पर कभी भी किसी भी तरह का ऐसी एक्यूजेशन नहीं लगाई जाएगी बाय वर्ड्स, अरे तूने ये कमिट किया ऑफेंस, तू अपराधी है, ऐसे वर्ड्स नहीं बोले जाएंगे, चाइल्ड फ्रेंडली वर्ड्स, प्यार से बच्चों के साथ डील किया जाएगा। वेवियर ऑफ राइट्स नहीं होंगे, जो नाइन्थ प्रिंसिपल है वो बात करता है वेवियर ऑफ राइट्स के बारे में। देखिए वाइल इन जुडिशियल प्रोसेस या फिर कहीं पर भी जो भी अडॉप्शन के राइट्स हैं, जो अडॉप्शन हो रही है, जहां पर कोई भी प्रोसीजर जो फॉलो अप किया जा रहा है वाइल डिसाइडिंग द मैटर ऑफ अ चाइल्ड, तो वहां पर ये नहीं है कि भी उसके राइट्स को वेव कर दिया जाएगा, जैसे कि उसको सुना नहीं जाएगा, भाई तेरे पास राइट टू बी हेयर्ड नहीं है, तू बोलने के लिए परमिसिबल नहीं है,
तो ऐसे राइट्स को खंडन नहीं होना चाहिए वहाँ पर, मतलब उसको परमिसेबल नहीं करना चाहिए कि भी हाँ इसके ये राइट्स ले लो, इसको बोलने ना दिया जाए, ये डिसीजन ना ले अपने केस के अंदर कोई भी ऐसा। इक्वालिटी होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वाइल डिसाइडिंग द होल थिंग्स। ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि जब ये प्रोविजन अप्लाई किए जाएंगे बाय द अथॉरिटीज, तो उनको ये प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करना चलना पड़ेगा कि भी वो किसी तरह की नॉन डिस्क्रिमिनेशन ना करें चाइल्ड के साथ, इक्वालिटी करें, इक्वली ट्रीट करें सबको, वो चाहे किसी भी जाति का है, धर्म का है, किसी भी कलर का है, कहीं का भी पैदावार है, कहीं पे भी पैदा हुआ है ये। और यहाँ पर ये भी है कि भी ऐसा नहीं है कि भी उसको पहले से ही अपराधी घोषित करते हैं, उसको इक्वालिटी ली, मतलब मान लीजिए कोई ऐसी बच्चा है उसको पकड़ा गया है कहीं पर चोरी के मामले में और उसको डिस्क्रिमिनेशन की उसके साथ, उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया, पीट दिया पकड़कर, उसके राइट्स जो हैं वो कहीं पर भी हो सकता है, वो पुलिस अथॉरिटीज़ के पास हो सकता है, वो जो बोर्ड कमेटी बनाई गई है वहाँ पे हो सकता है, जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो, तो वो ऐसे ट्रीट ना करें बच्चों को, बच्चों को इक्वली ट्रीट करें, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ऐसे ही 11th प्रिंसिपल है, वो बात करता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में कि भी वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, वो लॉ के साथ उसमें, मतलब वो लॉ के साथ कहीं उसका कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस केस के अंदर जो उसका नेम है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसेस। ऐसा क्यों है कि भी देखिए, ऐसा इसलिए है कि भी बच्चे को ऐसा लगेगा कि भी मेरे बारे में अगर लोगों को ये पता लग गया कि मेरे को सेक्सुअली अब्यूज किया गया और मेरे पे केस चल रहा है, मेरे आस पड़ोस में किसी को पता लगेगा तो वो मेरे को वैसे ही जज करने लग जाएंगे, क्योंकि लोगों की आदत है जज करना, तो वो मेरे को वैसे ही जज करने लग जाएंगे और मेरी लाइफ जो है स्पॉइल्ड हो जाएगी, मैं ग्रो अप नहीं कर पाऊंगा, मैं सोसाइटी में बाहर नहीं जा पाऊंगा, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो देखिए, जो जुडिशियल प्रोसेस के अंदर है तो वहां पे क्या है कि भी उसकी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी उसकी आइडेंटिटी को। 12th प्रिंसिपल आ जाता है इंस्टीट्यूशनल केयर्स के बारे में। ये एक लास्ट रिजल्ट होगा, एक लास्ट उपाय होगा कि भी बच्चे को इंस्टीट्यूशनल केयर के अंदर रखा जाए। देखिए, एक रीजनेबल इंक्वायरी की जाएगी सबसे पहले कि भी मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को पैदा होते छोड़ गए, तो ये नहीं है कि भी उसको सीधा ही अनाथालय छोड़ दिया या फिर उसको सीधा ही अडॉप्शन सेंटर में छोड़ दिया कि भी अडॉप्ट करने के लिए अनाथालय में छोड़ दिया या फिर उसको कहीं पर भी छोड़ दिया ऐसे, मतलब एक रीजनेबल इंक्वायरी होगी भी इसके पेरेंट्स कहाँ मिले जाए कहीं पर, कोई पुलिस जो है पूरी कार्रवाई करेगी ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद, देखने के बाद कि भी हाँ कोई पेरेंट्स हैं कहीं, इसको कोई पालने वाला है, तो लास्ट जो रीजनेबल इंक्वायरी, लास्ट ये रिजल्ट होगा, लास्ट ये उपाय होगा, अगर रीजनेबल इंक्वायरी करने के बाद भी उसके पेरेंट्स का, बच्चे के पेरेंट्स का नहीं पता लगता है, देन इन दैट केस उस बच्चे को इंस्टीट्यूशनल केयर के अंदर डाल दिया जाए। रिपैट्रिएशन होगा, उसका रिस्टोरेशन होगा। देखिए, हर एक चाइल्ड के पास जुवेनाइल सिस्टम के अंदर, देखिए जो जुवेनाइल सिस्टम है उसके पास राइट है कि भी वो जो भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो उसको रीयूनाइट करो। मान लीजिए कोई बच्चा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में कहीं पर उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए ट्रैफिक कर दिया गया था, कहीं पर उसको भेज दिया गया था, उसको ट्रैफिक कर दिया, उसको मतलब विदाउट हिज कंसेंट उसको कहीं और भेज दिया और ताकि उसको यूज किया जा सके, उसको एक्सप्लॉयट किया जा सके सेक्सुअली, तो कोशिश की जाएगी बाय द अथॉरिटीज की भी जो फैमिलीज के साथ उस बच्चे को रीयूनाइट करवाया जाए, उनके काउंसलिंग करकर, बच्चे की काउंसलिंग करकर, बच्चे को हौसला देकर, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। एंड जिस सोशल लाइफ के अंदर वो रह रहा था, जिस इकोनॉमिकल लाइफ के अंदर रह रहा था, जिस कल्चरल स्टेटस के अंदर वो रह रहा था, वो सब मद्देनज़र रखते हुए उसकी लाइक उसकी रिस्टोरेशन करवाएंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे ताकि वो बच्चे की एक बेटर लाइफ हो सके। देखिए, ये आसान होता है कहना कि भी अडॉप्ट करें, जो पेरेंट्स जो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को वो सही तरीके से रखते हैं। देखिए, कई लोग अडॉप्शन करते हैं बच्चों की ताकि उनसे भीख मंगवा सकें, कई अडॉप्शन करते हैं कि भी उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बेच सकें, कई सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करने के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं किसी के पेरेंट्स का कुछ। तो देखिए, जो ये केयर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम है ये इन चीज़ों को ध्यान में रखता है, ये जाकर वहाँ पर सर्वेस करते हैं, जाकर देखते हैं, क्योंकि उनके पास राइट है कि वो देख सकते हैं जाके कि भी जो बच्चा हमने अडॉप्शन दिया था किसी इंटर
कंट्री के अंदर, लाइक किसी दूसरी कंट्री के अंदर, देन इन दैट केस वो भी इस चीज़ के ऊपर देख सकते हैं क्या उस बच्चे की प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन हो रही है, क्या वो उनको प्रॉपरली देख रहे हैं। ऐसे ही वोटिंग प्रिंसिपल आ जाता है, वो बात करता है फ्रेश स्टार्ट की। देखिए जो बच्चा है जो कि जुवेनाइल सिस्टम के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर अगर एक बार आ गया है, तो अगर उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, उसके साथ कोई क्राइम कमिट हुआ है, देन इन दैट केस उसके जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड हैं वो डिलीट कर दिए जाएंगे, वो इरेज कर दिए जाएंगे स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर, या फिर स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर उनको नहीं भी किया जाएगा। ऐसे ही 15th प्रिंसिपल आ जाता है, वो है डायवर्जन। देखिए किसी भी तरह की डायवर्जन नहीं की जाएगी। देखिए प्रॉपर मेजर्स लिए जाएंगे जब भी डील कर रहे हैं चिल्ड्रन के साथ जो भी कन्फ्लिक्ट में है विद लॉ। ये नहीं है कि भी हम जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, हम तो ऐसे डिसाइड कर देंगे, वो नहीं होगा ऐसा। एक जो प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस है उसको फॉलो अप करा जाएगा, प्रॉपर फेयरनेस के साथ उस मैटर के साथ डील किया जाएगा, हियर किया जाएगा उस बंदे के व्यूज़ को, उस बच्चे के व्यूज़ को सुना जाएगा, प्रॉपर जो सिस्टम है, जो बेस्ट इंटरेस्ट है चाइल्ड का वो देखा जाएगा, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को प्रमोट किया जाएगा, ना कि अपनी मनमर्जियाँ चलाई जाएंगी कि हम कमेटी की अथॉरिटीज हैं, हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे फैसले देंगे, बच्चा है इसको क्या पता, इसने कर दिया तो कर दिया। मतलब कहीं पर भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी बयास नहीं होना चाहिए उस बंदे के खिलाफ, उस बच्चे के, उसका बेस्ट इंटरेस्ट देखा जाएगा। 16th प्रिंसिपल एंड लास्ट प्रिंसिपल जो है वो है नेचुरल जस्टिस। देखिए जो भी प्रोसीजर है, जो भी स्टैंडर्ड सेटअप किए गए हैं, प्रॉपर फेयरनेस, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, वो सब के सब राइट्स को एडहेर किया जाएगा, प्रॉपर फेयर हियरिंग की जाएगी, रूल अगेंस्ट बेयस होगा। सो ये सब के सब 16 प्रिंसिपल है जो कि फॉलो अप किए जाएंगे बाय द अथॉरिटीज, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसीज, जब भी वो इस एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको अगर समझ लगी हो तो ऑब्वियसली आप लाइक एंड शेयर तो कर ही देंगे। Thank you very much. That's all for today.